एक सर्वे में ज्यादातर देश मान रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा मानने वालों में टॉप पर है, जबकि दूसरे वर्ल्ड वॉर में परमाणु हमला झेल चुका जापान इससे बच रहा है। विश्व युद्ध छिड़ा तो तबाही तो पूरी दुनिया में मचेगी, लेकिन कुछ देश हाई रिस्क की श्रेणी में हैं। जंग के दौरान यहाँ फंसना भारी मुसीबत ला सकता है। रूस यूक्रेन जंग को साल भर होने जा रहा है। न रूस तबाही मचाने में कोई कसर छोड़ रहा है और न ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार नई रणनीतियां ला रहे हैं, जिसमें सैटर्न 2 जैसी विनाशक मिसाइल के इस्तेमाल की बात हो रही है। उधर यूक्रेन भी दुनिया के बड़े देशों से मदद लेकर जंग के साजो सामान के साथ जुटा हुआ है। इस सब के बीच तीसरे विश्व युद्ध का डर भी मंडराने लगा है। वैसे तो वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में कहर बरपाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इसका सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे, यानी इन देशों पर सबसे ज्यादा खतरा होगा। अब बात करते हैं कि कौन से देश मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल फर्म IPSOS ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें शामिल 34 देशों के ज्यादातर लोगों ने माना कि जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे ऊपर था, जहां लगभग 81% लोगों ने युद्ध की आशंका पर हाँ कहा। वहीं जापान 51% के साथ इस लिस्ट में सबसे नीचे था। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान इस देश को परमाणु हमला तक झेलना पड़ गया था, तो हो सकता है कि वो इसकी कल्पना से भी डरता हो। भारत भी इसी सर्वे का हिस्सा था, जिसमें लगभग 79% लोगों ने युद्ध की आशंका जताई। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में पहला विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ था। जुलाई 1914 से अगले 4.5 सालों तक चले इस वॉर की वैसे तो किसी ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इसकी वजह ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को माना जाता है। फर्डिनेंड उसी साल बोस्निया के दौरे पर थे, जहां उनकी हत्या हो गई। आरोप सर्बियाई सरकार पर लगा। महीने भर के भीतर ही ऑस्ट्रिया ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। उस दौरान लगभग 1 करोड़ मौतें हुई थी। जी हाँ, धीरे धीरे बाकी देश भी इसी आक्रमण में शामिल होते चले गए और दो देशों की जंग विश्व युद्ध में बदल गई। नवंबर 1918 को जर्मनी के समर्पण के साथ ही पहला विश्व युद्ध खत्म हो पाया। माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। हालांकि कई देश और मानवाधिकार संस्थाएं इस आंकड़े को कहीं ज्यादा बताती हैं। युद्ध के बाद भुखमरी और स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी भी फैली, जिसने अलग जाने ली। अब बात करते हैं, दूसरा विश्व युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की वजह से हुआ। जिस तरह से सभी बड़े देशों ने जर्मनी को मजबूर किया था और उस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे, जर्मनी ने तय किया कि वो इसे भूलेगा नहीं। तब नाजी पार्टी के नेता के तौर पर एडोल्फ हिटलर उभर रहे थे। साल 1933 में वो देश के सैन्य शासक बन गए, जिसके बाद ऑस्ट्रिया भी उनके पाले में चला गया। मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके हिटलर ने उस पर कब्जा कर लिया और वहां से होते हुए उसने पोलैंड पर भी हमला कर दिया और यहीं से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे बड़े देश, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली जैसे राष्ट्र थे। हिटलर की सेना धड़ाधड़ हमलावर होने लगी। आखिरकार सारे देशों ने मिलकर इस देश पर बमबारी शुरू कर दी। जर्मनी की हार तय होने पर हिटलर ने खुदकुशी कर ली, जिसके साथ ही जर्मनी चुप हो सका। अमेरिका के न्यूक्लियर हमले के बाद जापान ने भी हथियार डाल दिए। इस तरह से सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। वैसे अगर तीसरी बार भी विश्व युद्ध छिड़ जाए तो कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो सुरक्षित रहेगा, लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हो सकते हैं। इन हाई रिस्क देशों में वेनेजुएला का नाम टॉप पर है। दक्षिण अमेरिकी ये देश पहले से ही गरीबी और गृह युद्ध में उलझा हुआ है। यहाँ के राजनैतिक हालात काफी समय से अस्थिर हैं। ऐसे में युद्ध का मौका बना तो आर्थिक या राजनैतिक लाभ के लिए हो सकता है कि यह देश किसी के पक्ष में या फिर किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए। इसी डर के मद्देनजर यूके फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस लगातार अपने लोगों को यहाँ या इसके बॉर्डर तक भी संभल कर जाने की बात कहता रहा है। कई अफ्रीकी देश भी इस समय हाई रिस्क पर माने जा रहे हैं, जैसे सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया और बुर्किना फासो। इसकी सीधी वजह ये नहीं है कि इन देशों की जंग में सीधे इन्वॉल्वमेंट का डर है, बल्कि वहां के राजनीतिक हालात इन्हें आम दिनों में भी संवेदनशील बनाए हुए हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान यहां होना दूसरी आपात स्थितियां भी पैदा कर देगा।
जैसे यहाँ मेडिकल सुविधा की कमी होती जाएगी और अगर कहीं जाना चाहें तो कनेक्टिविटी की भी दिक्कत हो सकती है। चूंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये देश खास ताकत नहीं रखते, ऐसे में ये सॉफ्ट टारगेट रहेंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार किसी न किसी बात पर अमेरिका से उलझते रहते हैं, यहाँ तक कि वहाँ समुद्र तट पर कई बार मिसाइल परीक्षण भी हो चुके हैं। अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया से भी किम के संबंध खराब हैं। ऐसे में हो सकता है कि तीसरी जंग छिड़े तो ये देश उसका हिस्सा बने, या फिर शुरुआत ही यहीं से हो। इन स्थितियों में नॉर्थ कोरिया में रहना किसी हाल में सही नहीं होगा। मिडिल ईस्टर्न देश भी काफी खतरनाक स्थिति में हैं। इनमें यमन, इराक और सीरिया शामिल हैं। तीनों ही मुल्क गृह युद्ध झेल रहे हैं। यहाँ खाने से लेकर सड़क और अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाएं भी मुश्किल हैं। युद्ध जैसी एक्सट्रीम स्थिति में हालात और बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल SOS इन देशों में फंसने को हाई रिस्क मानता है। तो आखिर कहाँ रहना ज्यादा सुरक्षित होगा, चलिए इसको समझते हैं। साल 2021 में हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स स्टडीज पर भी बात करती है। इसकी रैंकिंग की माने तो आइसलैंड वो देश है जिस पर तीसरे विश्व युद्ध का असर शायद सबसे कम होगा। यूरोप के उत्तर से दूर अटलांटिक महासागर में स्थित ये देश भौगोलिक तरीके से सेफ है, इस तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, लिहाजा जल्दी खून खराबे का कोई डर नहीं है। वैसे भी ये देश ग्लोबल राजनीतिक उठापटक से हमेशा अलग रहता है, तो कोई इस पर आक्रामक हो इसका डर कम ही है। भौगोलिक स्थिति के कारण ही न्यूजीलैंड भी सुरक्षित देशों की श्रेणी में आता है। ये रूस और अमेरिका दोनों से बहुत दूर है। यही वो दो देश हैं जिनके आपस में उलझने का सबसे ज्यादा डर रहता है। ऐसे में न्यूजीलैंड युद्ध की आंच से आसानी से दूर रह सकता है। कनाडा का साथ भी उसका जियोग्राफिकली अलग थलग होना दे सकता है। वैसे तो ये देश अमेरिका का पड़ोसी है, लेकिन खुद इसकी इमेज शांति प्रिय मुल्क की है। उम्मीद है ये जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और भी इनकरेजमेंट मिलेगा ऐसे ही वीडियोस और बनाने के लिए।